मेरे साथ दुर्गेश हैं। यूट्यूब में बच्चों को ज्ञान देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि कैसे अपने भविष्य की तैयारी करें। दुर्गेश जब आए थे तो उन्होंने कई रोचक बातें भी बताई, कई अपने संघर्ष की बातें भी बताई। अभी उभर रहे थे उस बारे में भी उन्होंने बताया। आइए हम दुर्गेश से बात करते हैं और जानते हैं शिक्षा व्यवस्थाओं के हाल तथा अभी बच्चे क्या जानते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। तो मेरे दुर्गेश, आपका बहुत स्वागत है आपके हमारे शो में आज के। दुर्गेश, पहला सवाल आपसे, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये चैनल की शुरुआत कैसे हुई थी और क्यों ख्याल आया था? ये पहली बार जब दिल्ली गया तो मैंने दिल्ली में देखा कि UPSC के नाम पे और UPSC के नाम पे लाखों रुपए फीस थी, तो मैं भी वहाँ पे गया था। तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे मैं पे कर सका, तो मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन क्लास करूँ। तो मैंने ऑनलाइन क्लास लिया तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आई कि मैं ऑफलाइन से बेहतर कर सकता हूँ। जैसे हो सकता है किसी दिन मेरी बस छूट जाए, किसी दिन मैं नहीं पहुँच पाऊँ, तो उस दिन का लेक्चर मिस हो जाता था और टीचर वो लेक्चर दोबारा नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ तो 2000 बच्चे हैं, 200 भी टर्न होती थी। फिर अगर मैं घर पर हूँ तो उस क्लास को दोबारा देख सकता हूँ। फिर जब मैंने वहाँ ये देखा पैसे की तंगी थी, फिर जब मुझे वापस आ गया, फिर मुझे ये बात लगा कि मैं भी जिस तरह मैं जौनपुर शहर से सिराज उद्दीन शहर से मैं वहाँ गया, तो मेरी तरह से लाखों अभ्यर्थी होंगे, हजारों अभ्यर्थी होंगे जिनको इस चीज़ की समस्या होगी। सबसे ज़्यादा उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए जो घर से नहीं निकल पाती, पढ़ना चाहती हैं, घर से परमिशन नहीं होता, सामाजिक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास एक रामबाई की तरह काम करता। फिर मैं जब वापस आया तो मैंने शुरुआत की, जब शुरुआत की तो लाइटिंग कुछ नहीं थी, मोबाइल का से मैंने वीडियो शूट की, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। फिर मैंने कुछ दिन के लिए वीडियोज बंद कर दी। फिर 2013 के बाद से मैंने वीडियोज बंद कर दी, उस समय MB बहुत महंगा हुआ करता था। फिर अचानक 2018 से फिर मैंने दोबारा शुरू किया। जब मैंने दोबारा शुरू किया आज मैं आपके सामने हूँ। और दुर्गेश जी, बात बताइए, जब आप अभी बता रहे थे कैमरे के पीछे भी कि नौकरी छोड़ दी आपने, है ना, तो नौकरी छोड़ने का ख्याल ऐसा क्यों, क्या था कि जो नौकरी छोड़ने के बाद आप यूट्यूब पे आए? नौकरी का मामला ये था कि इतना पढ़ने के बाद अगर आप 18-18 घंटे पढ़ते, 17-17 घंटे पढ़ते हैं, उस दौरान आप स्थिति ऐसी होती है घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता और आप टेम्पो चलाकर आप अपनी फीस पे करते हैं, खुद पढ़ रहे हैं, उस दशा में अगर आपके पास प्रेशर ही हो जाए कि अगर छोटी सी अगर आपको जॉब मिल जाती है, जॉब की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, आप उसे ज्वाइन कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं जॉब का मतलब क्या होता है, जैसे हम और आप अभियां हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नीडेड होंगी। जैसे आप जॉब ज्वाइन करते हैं आपको 20,000 रुपीज़ या 25,000 मिलने लगता है, तो आपकी नीडेड सीमित हो जाती है। आपको लगता है यार तो पैसे आ रहे हैं, नौकरी मिल गई है, शादी भी हो जाती है, आपकी जो सोच होती है वो सीमित हो जाती है। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं घुमरा तो नहीं हो रहा, वास्तव में फैसला बहुत बड़ा था और परिवार के खिलाफ भी था, समाज के खिलाफ था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं कुछ करना है तो कुछ करना। फिर मैंने थोड़ा उसके बाद फिर जम्पो डार्ट से मैंने BTC शुरू कर दिया, फिर BTC हुआ, उसके दौरान हमने कोचिंग भी शुरुआत कर दी और आज प्रदेश में लगभग अगर कोई भी BTC BEd कर रहा है, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इल नहीं बदल गया या मुझे नहीं समझता, शायद ही ऐसा। दुर्गेश, एक बात बताइए, जब आप सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे और उसके बाद घर पे आए और आपने यूट्यूब चलाना शुरू किया, तो घर वालों का क्या रुझान था उस तक? आप समझ सकते हैं कि इस बेरोजगारी के दौर में अगर आप नौकरी के नजदीक पहुंच जाए और वहां से वापस आ पाते हैं तो घर वाले, समाज वाले तो कहेंगे झूठ बोलता है, ये हुआ ही नहीं था। घर वाले आज तक ही बोलते हैं यार तो दिन रात दौड़ने से अच्छा है कि एक अस्थायी नौकरी हो जाता, लेकिन अंदर से हमेशा ही आवाज आ रही थी कुछ नया करना। इस सुदृढ़ बल में मैं लगातार लगा रहा और मैंने मेहनत भी की और आज 69,000। सेटिस्फेक्शन किसमें था, सरकारी नौकरी में या फिर इसमें? सेटिस्फेक्शन का सीमा मतलब ये था कि मैं अपने आप को जब तक समाज के साथ ना कर पाऊँ, उसके साथ खेल ना पाऊँ, उसके लिए कुछ नया ना कर पाऊँ तो क्या मतलब। लोग, लाखों लोग रोज पैदा होते हैं, लाखों लोग रोज मरते हैं, लेकिन दुनिया चंद चेहरों पे याद करती है। मैं उन लाखों लोग की भीड़ से थोड़ा अलग हटके जाना चाहता था, मैं चाहता था कि उस भीड़ के इतना अगर जाएंगे ताकि लोग जाने के बाद मत मत आई आज मैं आपके सामने बैठ पा रहा हूँ, आज मैं आपके साथ बैठा। हो सकता है कुछ क्षण के बाद आपको ये न्यूज चलानी पड़ेगी जिसका मैंने आज बैठ लिया, कुछ देर बाद आज वो दुनिया में नहीं रहे। नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, ये मैं बात काट रहा हूँ बीच में आपकी, बस ऐसा ना हो कि भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा हो। हाँ। दुर्गेश, एक बात पूछूंगा, जब पहली वीडियो डाले और जब अब वीडियो डालते हैं, है ना, उसमें बच्चे जब कमेंट करते होंगे और कुछ लोग आपके सामने आके बोलते होंगे आपको मेरे यूट्यूब पे देखा, तो उसमें कैसा एटमॉस्फेयर रहता है आपके साथ? पहले जब वीडियो अच्छी नहीं होती थी तो सबसे ज्यादा लोग वही लोग देखते थे जो हमारे नजदीकी होते थे, तो पहले कहते थे बड़ा सराहनीय कदम है, अच्छी वीडियो होती, जबकि वीडियो में ये पता थी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, लोग अच्छा सराहना करते थे। लेकिन आज जब इस मार्केट की भीड़ में जब हजारों लाखों की वीडियोज होती है, जब तक लोग देखते हैं तो उसमें से 5% को अगर निकाल दिया जाए तो 95% मुझे सकारात्मक मिलते हैं। लेकिन मैं अफसोस आज कैमरे के सामने भी करना पड़ रहा है, मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता, मेरे पास इतने समय नहीं होता मैं कमेंट पढ़ता हूँ, तो मैं इसके लिए अपने सब्सक्राइबर से क्षमा चाहता हूँ कि मुझे कमेंट नहीं पढ़ पाता, ये मेरे लिए और उसके लिए नहीं करती हूँ। मैं भी कहूँगा ये बात कि कमेंट, ऐसी दुनिया बन गई है कि हर रोज आपके लिए, इनके सब्सक्राइबर के लिए कह रहा हूँ,
कि रोज आपके लिए नए कंटेंट ढूंढना, नए तैयारियों तरीके से आपको पढ़ाने के लिए कितने मेहनत करते हैं। दुर्गेश कैमरे के पीछे ही बता रहे थे कि आप लोग से जुड़ाव नहीं हो पाता है, फिर उसके लिए दुर्गेश ने क्षमा भी मांगी है। दुर्गेश दूसरा सवाल, आजकल बच्चों को आप तैयारी करवाते हैं ऑनलाइन है ना यूट्यूब पे, पर आजकल शिक्षा के लेके यूपी सरकार का आपने देखा है कई हजार नौकरियां अभी तक नहीं दी गई हैं, इस पर क्या विचार रहता है आपका? देखिए शिक्षा की बात कर, शिक्षा की बात है दो तरह से आती, पहली चीज तो शिक्षा का वाचारी करना है, इसको अगर हम उठा चाहिए कि मैं भी इससे सम्मिलित हूँ, मुझे यह लगा जिस तरह से मैं झेला हूँ एक छोटे परिवार से निकल कर आज मैं उसी तरह रहता हूँ, जब भी मुझसे मिलेंगे आपको कदाचित ऐसा नहीं लगेगा कि जैसा आप मिलने के बाद महसूस करते हैं वैसे मिलने से पहले मुझसे महसूस किया होगा। तो बस ये है कि शिक्षा का वाचारीकरण का मतलब अगर मैं छोटी सी अगर कोचिंग की बात कर लेता हूँ, पहले वहाँ से शुरुआत नहीं करना चाहता हूँ, जिस मंडी से मैंने शुरुआत की जिसके लिए मुझे दिमाग में आते आई, तो लोग करते क्या है जैसे लोग आईएएस पढ़ाते हैं इससे बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, अगर लेखपाल की वैकेंसी है कि लेखपाल लगाते हैं, एसएससी आईएएस पुलिस की आई पुलिस एसएससी आईएएस, और शिक्षक भर्ती आई तो शिक्षक भर्ती की बैनर, सीटेट आई सीटेट, यूपीटेट आई यूपीटेट। तो एक छोटा सवाल मेरे मन में आता है, अगर मुझे आंख में दर्द हुआ या आंख में समस्या हुई क्या हड्डी को डॉक्टर दिखाते हैं? फिर ऐसा कोचिंग वाले कैसे बड़े बड़े बैनर लगाते हैं और हर बार बैनर चेंज करके कहते नहीं हमारी संस्था है? तो एक तो जिम्मेदारी है, दूसरी चीज है आज के इस उधेड़बुन दुनिया में जिस तरह ये कहा जाता था कि हमारे यहाँ हमारे देश की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है किसी प्रधान देश में कृषि आश्रित है, लेकिन कृषि का स्तर इतना कहना नहीं चाहिए क्योंकि किसान ना होते तो हम बैठ नहीं पाते, मतलब अगर हम इस दुनिया से किसान खेती को माइनस कर दे दुनिया खत्म, मतलब खाद्यान्न को माइनस कर दे तो खत्म, वह उनका क्षेत्र उनका परिवार भी नौकरी क्षेत्र में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मंदी मतलब इन्फ्लेक्शन या मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति कोई फर्क नहीं, क्योंकि वहां उनका वेतन फिक्स है, लेकिन यहाँ भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, इसके नाते बच्चों का रुझान नौकरी की तरफ हुआ और सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ने के लिए एक कोचिंग उनके लिए प्रावधान बना। दूसरी हमारी सरकारें जो ये प्रलोभन देती हैं, जो ये कहती हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, उस प्रलोभन के दौरान हमने भी मतदान किया, शायद आपने भी, सभी ने मतदान किया, मतदान करना हमारा अधिकार भी है और हम आपसे भी कहेंगे कि आप मतदान करें जरूर, अगर आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो मतदान जरूर करिएगा, क्योंकि देश हित में आपका ये एक सराहनीय कदम होगा। दूसरी बात, तो जो हमने सरकारें चुनी, सरकारें ने शिक्षक भर्ती अगर देखा जाए सामने से 79 शिक्षक भर्ती पूरे प्रदेश में सबसे ज्वलित मुद्दा है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय सबसे ज्वलित मुद्दा है, और उसी मुद्दा है बेरोजगारी, बेरोजगारी तो पूरे भारत की मुद्दा है और आर्थिक मंदी जब से आई है पूरे देश का ही मुद्दा हो गया, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती सबसे उसके आधार बिंदु केंद्र में, इसके पहले 68,500 थी, इसी तरह वो भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण भी हो गई स्टार चिन्हों के साथ, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती शुरुआत में सरकार ने तेजी दिखाई, चुनाव सड़के थे और तेज गति से उन्होंने टीटी कराई, सुपर टीटी की डेट दे दी शिक्षक भर्ती की, सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती, और 5 जनवरी तक ये भी फिक्स नहीं था कि परीक्षा सफल हो पाएगी, हम जैसे यूट्यूबर भी उसमें सिकंजे में आ गए थे, मतलब मुझे भी नहीं लग रहा था कि परीक्षा होगी या नहीं, लेकिन अचानक 5 तारीख क्लियर हुआ, एक महीने के अंदर ही उन्होंने तो हम लोग को भी लगा कि परीक्षा दे के आएंगे एक महीने के बाद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 7 जुलाई को उन्होंने 7 जनवरी को जियो जारी किया जिसमें उन्होंने कट ऑफ निर्धारित किया 60-65, चलिए वो भी बहुत सारे अभ्यर्थी उन्होंने भी क्वालिफाई किया, वहां तक भी पहुंचे, उस क्वालिफाई करने के बाद फिर ये मामला न्यायालय में गया, न्यायालय में गया, न्यायालय में जाने का मामला ये था कि कट ऑफ परीक्षा की बात करें तो सरकार भाई अपना पत्र की मैंने क्यों रखा, और जो थे उन्होंने अपना पत्र रखा, मामला फर्स्ट बेंच से आया 68,500 में 40-45 कोर्ट ने कट ऑफ किया, सरकार उससे संतुष्ट नहीं थी, हमारे देश में न्यायपालिका सीढ़ी वाइज है, हमने उसके ऊपर सीढ़ी पे डबल बेंच सरकार गई, जब सरकार डबल बेंच गई तो वहां पे वो अपनी पैर भी नहीं, अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीटीसी को प्राइमरी में प्राथमिक अधिकार है, प्राथमिक बीटीसी का अधिकार है या बीएड का है, मतलब सरकार खुद से उलझ गई कि बीटीसी बचाएं बीएड बचाएं या कट ऑफ बचाएं, ठीक है कट ऑफ अगर माना का करते कट ऑफ को पूरा कर लेते हैं, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से आता है एलिमेंट्री कोर्स, एलिमेंट्री कोर्स का मतलब ये होता है जैसे बीटीसी जो होता है जो बीटीसी डीएलएड करता है एलिमेंट्री कोर्स के अंतर्गत होता है, बीएड भी आता है, तो सरकार को इतनी जल्दबाजी थी तो बीएड को उसने सम्मिलित किया, शिक्षा मित्र को सम्मिलित किया, मतलब आज तक मुझे ये समझ में नहीं है लॉजिक, ऐसा कौन सी लॉजिक थी तीनों को उन्होंने सम्मिलित किया फिर भर्ती न्यायालय में खड़ा भी कर दिया और अब न्यायालय से खुद बैकफुट गया। पर अभी देख रहा था मैं और कई पत्रकारों के ट्वीट भी पढ़ रहा था, फेसबुक भी पढ़ रहा था कि कुछ ही लोग जा रहे हैं सरकार के आंदोलन का भी, जो आंदोलन कर रहे हैं लोग उनमें जैसे 40 लाख 4 लाख लोग हैं तो 4 लाख में से बस 100 या 200 लोग ही धरना दे रहे हैं आज की डेट में, बाकी सब सोच रहे हैं कि लड्डू खा लेंगे, तो ये क्या एक वाकई विचारधारा है कि 100 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए? नहीं, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें जब धरने में मैं भी पहुंचा हूं, लेकिन 69,000 में जो 60-65 की सेविंग था मैं वहां नहीं पहुंच पाऊँ, लोग देख रहे क्षमा चाहता हूँ, जबकि मेरा हक है सरकार ने अगर अपना कट ऑफ रखा तो कट ऑफ ने डिफेंड करना चाहिए, बचाना चाहिए, अगर आपने कह दिया कट ऑफ किया तो उसे आप कट ऑफ बचाने के लिए न्यायालय पर जाइए माननीय, क्योंकि न्यायालय जो हमारे देश में आज भी सर्वोच्च है,
हम उसके फैसले का हम भी आज भी सम्मान करते हैं, भविष्य करते रहे। तो अगर आपने रखा तो आप उसके लिए जाइए, उसे बचाइए, क्योंकि आपके न जाने से केवल 69,000 नहीं 4,04.2 लाख अभ्यर्थी रात को जब सोते थे एक छोटा सपना होता है, क्या मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। सुबह उठने के बाद घर से बाहर निकलते हैं, जब पापा ये पूछते हैं बेटा क्या इस बार कुछ होगा या नहीं, तब दिल से एक आवाज आती है कि क्या करें। तो इस उधेड़बुन में अभ्यर्थी वहां ये नहीं पूछ पाते मेरा होगा या नहीं। 40-45 लोग सोच रहे हैं मेरा होगा या नहीं, 60-65 लोग सोच रहे हैं मेरा होगा नहीं, शिक्षा में सोच रहे हैं मेरा होगा नहीं। मतलब इस तरह तीनों आपस में उलझे हुए हैं, उन्हें ये नहीं लगता कि मेरा चयन हो पाएगा या नहीं। मतलब मानक को पूरा करने के बाद हर अभ्यर्थी अगर जो 69,000 भर्ती परीक्षा में सम्मिलित है, माने 4.2 लाख अभ्यर्थियों के लगता है मैं इस भर्ती का अभी नहीं हिस्सा हूँ और इस पर मेरा अभी हक है, जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक 4.2 लाख अभ्यर्थी यह बात दावे के साथ कह सकते हैं मैं इस भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न अंग हूँ। और ये मामला जब डबल बेंच न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर मुझे किसी प्रकार का वक्तव्य देना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि न्यायालय से बढ़कर इस देश के। एक बार बताइए कि जो दूसरी बेंच की ओर बैठे न्यायालय के पास, तो उसमें क्या होता है जो सरकारी लोग होते हैं वो 8 में से 7 बार नहीं जा पाते हैं और एक सुनवाई में गए होते हैं, तो इससे तारीखें दिन पर दिन बदल रही है। इसमें क्या सरकारी लोगों की खामियां रहती हैं, सरकार की खामियां रही हैं कि लोग जा ही नहीं पा रहे हैं कोर्ट में रोज दिन, मतलब अगस्त के बाद से लगातार तारीखें बदल रही हैं और उसके बाद अभी तक 8 सुनवाई हुई है सेकंड बेंच में और सेकंड बेंच में 8 में 7 में लोग गए ही नहीं है सरकार की तरफ से, जिसे तारीख बदल दी जाती है। अगर इस बात को अगर आप मान लें अपनी जगह बहुत सही थे, तो मैं आपकी पहले सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा सा सवाल किया है। लेकिन उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, जब BTC की पोस्ट मैट्रिक परीक्षा परीक्षा पेपर लीक हो गया और आपको हर हाल में चुनाव से पूर्व भर्ती पूर्ण करानी थी, आपने आनंद फानंद में अगली परीक्षा की तिथि दी, कॉपी साइन हुई, UPTET के भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में आपने 4 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया, उसके बाद आपने जियो अगला जारी कर दिया, अगले फॉर्म भी सबमिट करा दिए, 9 दिन के अंदर आपने पोर्टल खोला, फॉर्म भरे गए और आपने कसम खा ली कि 6 जनवरी को परीक्षा होगा, 6 जनवरी परीक्षा करा ली, तब क्या आप के अधिकारी सुस्त नहीं थे? आखिर उसी प्रदेश के अधिकारी जब 2 महीने में इतनी बड़ी 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा, मतलब एक ऐतिहासिक है, आप संपन्न करा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए, क्योंकि मैं इस सरकार की इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। इसके पहले 68,500 उन्होंने कहा 5 सितंबर शिक्षक दिवस को नियुक्ति पत्र दूंगा, तो उन्होंने दिया। इस बार वो ऐसा क्या रीजन है जो पीछे भाग गए? जो सरकार के पास पैसे नहीं है जो इतना बड़ा कंडक्ट कर पाए, सबको नौकरी दे पाए, सबको पैसा दे पाए, ये कारण तो नहीं हो सकता ना कहीं कि एजुकेशन के लोगों को रोक दिया गया, शिक्षा मित्रों को रोक दिया गया है कि इतनी सारी वैकेंसी हम नहीं दे पाएंगे, है ना। और एक दूसरा सवाल आते ही रहेगा कि क्या किसी भी खेल में खिलाड़ी जब खेलता है तो उसको पहले नियम बता दिए जाते हैं, पर जब यहाँ एजुकेशन की बात आती है, इस जॉब नौकरी की बात आती है, तो यहाँ क्या होता है कि पेपर देने के बाद बच्चों को नया रूल बताया जाता है जियो का, है ना, कि भाई ये नया रूल आ गया है, इतने कट ऑफ होंगे, है ना। इसमें क्या सरकारी खामी थी या उनके मंत्रालयों की, जो शिक्षा मित्र वहाँ पे? अब तो ये शुरू से जिस दिन भर्ती परीक्षा पूर्ण हुई उस दिन से लेकर माननीय EEE के फैसले आने तक ये विवादास्पद रहेगा। लेकिन अगर हम राजेश चौहान जी की खंडपीठ की अगर माने तो उन्होंने सीधा सीधा जियो को ही रद्द कर दिया है। लेकिन खेल के बाद नियम बदले जा सकते हैं, इसके बहुत सारे से तमाम प्रमाण है जहाँ पे बदले भी गए हैं, नहीं भी बदले गए। लेकिन बस यही है कि अगर आपने 90 सप्ताह में रखे हैं तो आपके मंत्रियों ने, आपके अधिकारियों ने जब 90 सप्ताह में एक दिन बाद रखा तो उनके दिमाग में बातें जरूर रहेंगी कि मुझे भर्ती फंसानी है या मुझे भर्ती करानी है, माने उलझाना या सुलझाना। जब आपका पूरा एक तरह से शेड्यूल बना हुआ था, कब परीक्षा करानी, कब TET करानी, कब रिजल्ट देना है, 20 तारीख को रिवाइज की देना है, 22 को रिजल्ट देना, उसके बाद काउंसलिंग करानी है, 15 फरवरी को नियुक्ति पत्र देना, इसका मतलब आपका पूरा प्लान पहले से तैयार था, तो वह कहीं ना कहीं उस प्लान का हिस्सा रहा होगा कि आप भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराना चाहते हैं, आप 90 सप्ताह में बचाना चाहते हैं, तो 90 सप्ताह में जब बचाने की बात थी फिर आप कहाँ है? अब अगर एलिमेंट्री कोर्स की बात करें, BTC का प्राथमिक अधिकार है, तो हाँ भी आप म्यूट हो जाते हैं, अन्य राज्यों की अपेक्षा DSSB ने वैकेंसी दिया, उसने साफ दिया कि यहाँ एलिमेंट्री है, आप अपर प्राइमरी के दरवाजे क्यों नहीं खोलते हैं, जबकि हमारी फंडामेंटल राइट मूलाधिकारी कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, हम ये मानते हैं, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क अधिकार है तो 1 से लेकर 5 तक शिक्षा से लेकर 8 तक, आप आगामी 3 साल में या 5 साल में अगर देखा जाए, पिछली सरकार को लेकर देखा जाए, तो 2 लाख से लगभग उन्होंने प्राथमिक में भर्ती क्रिएट किया, लेकिन अपर प्राइमरी क्यों नहीं? आखिर जो बच्चा 1 से लेकर 5 तक पढ़ता है वो 6 में कहाँ जाता है? वहाँ पे शिक्षक जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अपर प्राइमरी के दरवाजे भी तक क्यों नहीं खोले? क्या सरकार इस विज्ञापन नहीं बना पा रही है, पद का सृजन नहीं कर पा रही, या अभी उनके पास पद खाली नहीं, क्या रिटायरमेंट नहीं होते?
जो रिटायरमेंट होते हैं उसका डेटाबेस उनके पास क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि बीटीसी बी और शिक्षा मित्रों कहीं ना कहीं आपस में उलझा रखना ताकि हम बेरोजगारी की बातें ना कर सके। हम यह बात करें तो बीटीसी हो तुम बी एड हो तुम शिक्षा मित्रों हम आपस में उलझे रहे, फिर चुनाव आए हम मतदान करें फिर विजयी बनाए। ठीक है, हमने मतदान दिया मत किया, आपको बहुमत की सरकार है और हमारी देश की सरकार है, हम हमें भरोसा करते हैं, हमें चाहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को आप पूरी तरह से संपन्न भी कराएंगे, हम आपकी भरोसे हैं। बस ये कि आप न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखें और 4.2 लाख परिवार की जो उलझने हैं उस उलझन पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसको हटा के आप पूर्ण विराम लगा दें, क्योंकि अभी तक वो प्रश्न चिन्ह नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और हम न्यायालय पे ही पूरा, लेकिन न्यायालय में अपना पक्ष रखना हमारा अधिकार है, तो बस उस अधिकार की विधिक अधिकार की हम बात करते हैं। एक बात बताइए, जब आप लोग चैनल चला रहे हैं और बच्चों को इतना शिक्षा देते हैं, है ना, ये सवाल रोजगार से हटके है थोड़ा सा कि आज के बच्चे क्या सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा फोकस करते हैं आज की डेट में, जब आप इतने बच्चों के साथ जुड़ते हैं और लाखों बच्चे आपको देख रहे हैं आज की डेट में, तो क्या बच्चे सरकारी नौकरी पर आज भी फोकस कर रहे हैं जब सरकार की इतनी व्यवस्थाएँ खराब चल रही हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, शायद एक मंदी शब्द आता है, जो एक समय तो ऐसा था पूरा विश्व वर्ल्ड इसके चपेट में था 1929 से 1933 का दशक हम याद करते हैं, जो मंदी आती है तो पैसे नहीं आते, जैसे आपकी थोड़ा सा ऑफिस है बहुत सारे एम्प्लॉई आते हैं, अगर आपके यहाँ पैसे नहीं आएंगे तो एक महीने खर्च उठा लेंगे, लेकिन कुछ खर्च कॉमन होते हैं जैसे रूम रेंट बिजली बिल, ये कॉमन रेंट है, जब ये नहीं हो पाता तो कहते खर्च कैसे मैनेज करें, तो एम्प्लॉई को छाटने आराम करते हैं, जब एम्प्लॉई कम करेंगे तो एम्प्लॉई बाहर जाएगा, उसके पास पैसे नहीं थे रोजगार नहीं तब तो आपके यहाँ जुड़ा था, अब उसके पास पैसे नहीं है रोजगार नहीं है, अब उसे अगर बाहर निकालेंगे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो ये प्राइवेट सेक्टर इसमें ये निश्चित नहीं होता है कि रोजगार हमारा सतत रूप से रहेगा, आज आप यहाँ है कल आपके बॉस को लगता है यार नहीं हो पाया, ये आपसे अच्छा बंदा आ गया तो आपको क्या करेंगे, नहीं जय जय भाई अपना हिसाब कर लीजिए, तो आपको भी लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब होता है सिक्योरिटी होगी, मानी जॉब सिक्योरिटी के लिए लोग आज भी गवर्नमेंट की तरफ अग्रसर होते हैं, जबकि हमें भी ये पता है हमारे देश में राष्ट्रपति से ज्यादा वेतन किसी को नहीं मिल सकता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल है, तो अगर ये देखा जाए तो इस पर बहुत सारे विवाद किए जा सकते हैं, इस पर बहुत सारे बातें हो सकती हैं, लेकिन इस बात को हम हटा देते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है इसीलिए लोगों का प्राइवेट सेक्टर के रुझान नहीं होता, अगर वहाँ 90,000 रुपये की जॉब मिली तो लोग को लगता है 40,000 सिक्योर, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है कल को मंदी का दौरा कंपनी का गया बाहर तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम डिग्री हमारी कहाँ जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जॉब सिक्योरिटी होती है। मुझे सबसे एक दूसरा सवाल कि सबसे ज़्यादा फोकस आपका किन विषयों पर रहता है आपके चैनल पे, क्योंकि जब हमारे दर्शक देखेंगे और आपसे आपकी विजिट करेंगे चैनल पे तो आप मैं पूछूंगा कि आप सबसे ज़्यादा जो टॉपिक होती है किस पर चुनते हैं आप। मैं क्या मेरा सबसे बड़ा काम है पढ़ाने का, और मैं इस समय जब से हूँ मैं पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि छोटा सा समाज का मैं इस 7 अरब जनसंख्या में छोटा सा हिस्सा मेरा है, तो मैं कुछ बेहतर देना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाता भी रहता हूँ, मैं सोचता हूँ एक बार जो भी मेरे पास है एक बार सारा मैं यूट्यूब पे कंप्यूटर है, उसके बाद खुदा ना खास्ता खुशी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, कि एक बार जो मेरे पास है वो उन लोगों तक पहुँचे जिसको उसकी जरूरत है। और जरूरत का मतलब यह है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की, जिसके पहले गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं थी, लेकिन वो पहली बार स्कूल छोड़े गया बगीचे में गया ऊपर सेब गिरा उसका दिमाग आया क्यों गिरा तो आ गया सेब, ऐसे हमसे अच्छे अच्छे लोग पढ़ाते हैं नो डाउट, लेकिन पढ़ाने की टेक्निक अलग है तरीके अलग है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो है मैं लोगों को दे दूँ, और मैं केवल एक सूत्री कार्यक्रम UPTT CET सुपर TT के लिए इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे मेरा UPSC के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल भी था और मैंने मेंस भी दिया है और MPSC मेंस UPSC किया है, प्रधान खास कुछ कमियाँ रही होंगी और क्योंकि उस पर स्टॉल लगाना नहीं कुछ कमी थी, उस कमी से मैं उभर नहीं पाया, फिर अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया और फिर मैं वापस इस दुनिया में और मैं आपके सामने बैठा हूँ। कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, है ना, तो आज के समय में इंग्लिश बोलना एक स्टैंडर्ड हो जाता है लोगों के लिए कि भैया हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो बहुत पढ़े लिखे हैं और हिंदी बोलने वाले को थोड़ा कम समझा जाता है, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, तो क्या जो आप पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चों का कमेंट आता होगा या फिर कौन से विषय में बच्चे ज़्यादा समझना कोशिश करते हैं, जैसे व्यूवर्स क्रिएट से आप देख लेते हैं कि कौन से वीडियो में ज़्यादा व्यूवर्स आए हैं, तो इंग्लिश वाले पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं हिंदी वाले पे। हाँ, क्योंकि जिस तरह से मेरा अभी तक क्राइटेरिया जिन जिन राज्यों से लगा अभी तक मेरी जो वीडियो जाती है हिंदी भाषी राज्य में ही ज़्यादा चलूंगी, तो कुछ कमेंट ऐसे आते हैं सर कुछ टर्म इंग्लिश में पढ़ाए, इंग्लिश में पढ़ाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हम अपनी जनसंख्या की देखा जाए जो 9 राज्य हैं जिस राज्य से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो 9 राज्य जहाँ पे हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पे आज भी हमारी सफलता का जो पैमाना है वो सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी के लिए इंग्लिश उस तरह से अभी हावी नहीं है जिस तरह से अन्य सेक्टर के लिए हावी हो चुकी है, और हमारे यहाँ सफलता का पैमाना अगर आप 1.84 हो जाते हैं तो ये माना जाता है सफल है। ऐसे हमारे मित्र थे और बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, वो आए गाँव में तो आए तो ऐसे बैठे थे शाम का समय था, तो एक वृद्ध थे गाँव में, उनका बेटा क्या करते हो,
या बस पापा चाचा मारते हैं मैनेजर क्या यार पकड़िए देखो तो यार लड़कियाँ बन गए पुलिस हो गए तो मैं मार मतलब पुलिस हो गए उनके नज़र में पुलिस हो गया और उनके अंडर में कई सौ एम्प्लॉय काम करते हैं। तो अभी ये सोच जो है कि सिलेक्शन का कि सरकारी नौकरी मतलब सिक्योरिटी अब पुलिस बन गए अच्छी नौकरी है बहुत सारे लोग इसके लिए दौड़ रहे हैं तैयार है मेरे उसका भी हिस्सा था तो 25,000 रुपये सैलरी मिलती है और वो बेचारे उनके 1.5 लाख पेमेंट है उनके अंडर कितने एम्प्लॉय लेकिन उनको कैसे ये समझाएं कि नहीं मैं उनसे बेहतर कमाता हूँ। तो ये सोच की बात है कि कहाँ तक आप सोच सकते हैं आपकी सोच अलग है मेरी सोच अलग है आप यहाँ आए मैं यहाँ हूँ आज मुझे बनारस में आए और आपसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला ये मेरे लिए सौभाग्यशाली राम है कि आपसे मुझे मुलाकात दुर्गेश काफ़ी अच्छा रहा कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली है दुर्गेश से और लास्ट की दुर्गेश की बातें बहुत अच्छी लगी कि विचारधाराएं अलग हो सकती हैं सोच अलग हो सकती है सब कुछ अलग हो सकता है। एक बात सरकार से पूछूंगा खेल खेलने से पहले नियम खिलाड़ी को पता होते हैं खेल खेलने से पहले खिलाड़ी को नियम पता होते हैं इस खेल में कौन सा नियम लागू होगा ठीक वैसे ही 5 जनवरी और 6 जनवरी को जो पेपर हुए थे उसमें भी पहले अगर सरकार ने नियम बता दिए होते तो इतने लोग आज बर्सात नहीं होते इतनी लड़कियां जो आगे चढ़कर लखनऊ में आज धरने में बैठी हैं वो आगे नहीं आई होंगी। खैर सरकार को इस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। ये दुर्गेश थे जो बच्चों को पढ़ाते हैं यूट्यूब के जरिए और काफी अच्छा पढ़ाते हैं मैं कहूंगा कि इनके चैनल पे जाइए और दुर्गेश अपने चैनल का नाम भी एक बार दर्शकों को बता दीजिए। एलर्ट में दुर्गेश और अगर कोई बीटीसी बीएड से जुड़े होंगे शिक्षा मित्र होंगे या एलर्ट करेंगे तो संभवतः उत्तर प्रदेश में करेंगे तो जरूर मुझे जानते होंगे क्योंकि मेरी नोट्स उन तक पहुंची होगी हैंड रिटन नोट्स नोट्स मेरी वीडियो लेक्चर कहीं ना कहीं से पहुंचे होंगे। तो मैं ये चाहूंगा मैं भेजता हूँ तो मुझे देखिएगा क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है और हर एक मिनट हर एक सेकंड आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है इसलिए यह लाखों वीडियो हजारों वीडियो पड़ा है उसके अच्छा आप स्वयं करिएगा एक बार मुझे ये देख के दिखेगा एक कंपेयर कर दिखेगा कि अन्य जिसको आप कहते हैं ये फला बेहतर पढ़ाते वो बेहतर पढ़ाते हैं हाँ मेरी वीडियो में क्वालिटी नहीं मिलेगी एडिटिंग नहीं मिलेगी मैं डायरेक्ट क्लास में पढ़ाता हूँ और बाकी यूट्यूबर हैं बोर्ड पे लिख देते हैं जितना उतना डिफाइन करते उसके बाद वो बंद करके वीडियो चले जाते हैं। मैं क्लास में खड़ा होता हूँ सामने कैमरा होता है 200 स्टेंथ होती है मैं फिर शुरू होता हूँ फिर जब टाइमिंग खत्म होती तब तक मैं पढ़ाता हूँ। फिलहाल ये बड़ी छोटी बड़ी बात होगी आप विजिट करिएगा आपको बेहतर लगता है। चलिए दुर्गेश ने अपना इंट्रोडक्शन दिया जरूर चाहिएगा पर दुर्गेश बोले थे एडिटिंग नहीं होती है पहले जवानों के समय में एडिटिंग भले नहीं होती थी पर जो दिखाने का तरीका खेलने का तरीका सिखाने का तरीका सब कुछ था। ये कहावत आपने सुनी होगी कि प भ स और र ये ऐसे गाने के शब्द थे जब आदमी मुंह में सुई लेके भी गाना गाया करते थे जब प मुंह से निकलता था तो जीभ पे सुई लग जाती थी आपने हमारे पिछले वीडियो में शो में सुना होगा। ये दुर्गेश थे और इनके साथ आज खास बातचीत हुई शिक्षा व्यवस्था को भी लेके और बच्चे किस तरह रुझान कहाँ कर रहे हैं आगे भी ऐसी अपडेट आपके सामने हम लाते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही भैया अब वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है वेबसाइट पे जरूर जाइएगा JNDM.news पे। धन्यवाद जय हिंद जय भारत।